हेलो दोस्तों, ये हमारे नूर भाई का चैनल है होम सेंचुरी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करते रहें कैसी लगी हमारी वीडियो आज की। हम लोग इतनी मेहनत की है इन्होंने और नूर भाई हमारे मेहनत कर रहे हैं बराबर, और 2022 में भी अच्छा इनका चैनल खूब चले और इनके लिए हम दुआ करते हैं। और जी मुरादाबाद की शान बढ़ाई है नूर भाई ने। और ये लीजिए आज़म भाई कुछ कहना चाहेंगे। माशाल्लाह से जैसे हम लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं, थोड़ा सिटी से अलग रहते हैं, यहाँ पर बाजिया मुरादाबाद में उड़ती है, तो हमने नूर भाई के माध्यम से लाइव देखने के बाद सारे पूरे टूर्नामेंट का आनंद लिया था। बहुत अच्छा लगा था। 105 का टूर्नामेंट भी, ऑल यूपी का टूर्नामेंट भी, 51 का टूर्नामेंट भी, घर बैठे पहले कवरेज मिलता रहा। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी अच्छी सपोर्ट कहीं से मिल पाई हो और सब लोग लाइव कोई टूर्नामेंट देख पाए हों। इस जो 2013 नवंबर को 14 नवंबर को टूर्नामेंट उड़ा उसका भी लाइव मिला, 25 का उड़ा उसका भी लाइव मिला, 14 का उड़ा उसका भी लाइव मिला। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मज़ा आया नूर भाई का चैनल देखने के बाद। ये चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुरादाबाद की कबूतरबाजी दिखाने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सेंचुरी। आज जो है इमरान भाई के साथ हम अफ़गानपुर आए हुए हैं जनाब आसिम साहब के यहाँ। तो यहाँ पर जो है आसिम साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके शौक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? जी हाँ, शुक्र अल्लाह का। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे यहाँ आपकी टीम में कौन कौन लोग मौजूद हैं। ये हमारे अबरार भाई हैं। जी जी जी, ये सारे कबूतर यही देखभाल करते अच्छा, हैं अबरार साहब जी। और ये रजासन भाई हैं। जी जी। ये हमारा भतीजा आजम है। आजम भाई अच्छा। और ये हमारे तहसीन भाई हैं। अच्छा। ये बच्चा है, ये भी रहता है, और ये चौधरी है, इसका नाम जी। देखभाल इनकी है। तो कब से शौक चल रहा है आपका? 20-25 साल होगा शौक को मेरे। अच्छा जी। तो इस दौरान में आपने कुछ टूर्नामेंट या बाजियां वगैरह की हैं? नहीं नहीं, मैं शौक में पालता था। अब अच्छा, मेरी तैयारी है टूर्नामेंट अच्छा, की। अच्छा, टूर्नामेंट की तैयारी है, मतलब अगले साल जो है। जी जी। ये जी, जो 22 आ गया, 22 में आप उड़ाएंगे? जी जी जी। तो क्या इरादा है, कितने कबूतर उड़ाएंगे? 105 कबूतर होगा जी। अच्छा अच्छा। कहाँ से शौक करना चाहेंगे आप ऐसे? जी शौक यहीं से करेंगे, अपनी छत से करेंगे, मुरादाबाद से करेंगे। मुरादाबाद से? मुरादाबाद से ही करेंगे। अच्छा जी। मतलब ये है ना कि कुछ लोग होते हैं कि भाई अपने शहर में ही करेंगे, आप चाहते हैं कि शहर से बाहर भी? या जी जी, जो जो भी उड़ाना उड़ाना चाहेगा उससे उड़ाएं, कबूतर उससे उड़ाएं, फ्रेंडली शौक करेंगे। अच्छा फ्रेंडली, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और आप कुछ बताइए, कब से शौक चल रहा है आपका? मेरे बचपन से शौक चल रहा है ये। अच्छा जी, तो आप बताना चाहेंगे साथ में कब से कर रहे हैं शौक? साथ में कर रहे हैं 4 साल से। तो जब से शौक हमारा ही चला, जब से साथ में है ये। अच्छा जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये मतलब अफ़गानपुर के उस्ताद हैं ये। अच्छा जी। ओहो जी हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो और भाई दोस्तों, ये देखिए अबरार भाई हैं।
हमारे अबरार भाई ये आसिम भाई के बहुत खास अगवानपुर के उस्ताद हैं ये, और ये खलीफा जी हैं इनके, रजा हसन भाई कुछ कहना चाहेंगे? रजा हसन भाई कितने कबूतर हैं आपके पास? सब अपने ही हैं। हाँ बताइए बताइए शौक के बारे में। सब अपने ही हैं, लगभग 350 कबूतर हैं जी। और क्या आपको यहाँ पर कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बचपन का शौक है हमारे जी। और ये आप बराबर में बैठेंगे कौन है? ये हमारे मित्र हैं आजम भाई। अच्छा जी, और बताइए आसिम भाई आपको, आप बोलिए कुछ बताइए। सलाम अलैकुम सभी लोगों को, जितने चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नूर भाई का। भाई शौक ये हमारे चाचा का शौक है, हमारा थोड़ा उनसे अलग हटकर अपना शौक है, और जो भी हमने सीखा है आज तक बचपन से अबरार भाई की सरपरस्ती में सीखा है, और बस सब कुछ इन्होंने ही सिखाया है, और फिलहाल बस इंशाल्लाह अगले साल वो टूर्नामेंट में उड़ाने का इरादा है अपनी छत पे से। ये हमारे चाचा के कबूतर हैं माशाल्लाह, 350-350 कबूतर इधर खड़े हैं, और जो जोड़ों के कबूतर हैं वो उस साइड में हैं। तो जो भी होगा इंशाल्लाह बढ़िया शौक होगा, जैसे भी होगा फ्रेंडली शौक होगा आपस में, जो भी हो जी 105 का जिससे भी हो। तो अच्छा, तो मैं आसिम साहब से जानना चाहूँगा आपको किस टाइप के कबूतर ज़्यादा पसंद है, मतलब कौन सी नस्ल के? देखिए मुझे तो एक तो सारनपुरी ज़्यादा पसंद है, और अच्छा, एक मुरादाबादी बुर्रे और ये रामपुरी गजरे। अच्छा अच्छा, तो तीनों चारों नस्लें आपके पास हैं? जी हाँ। तो थोड़ा शौक करवा दीजिए उन कबूतरों का, है ना? जरूर जरूर। चलिए, यहाँ पर सारनपुरी है। अच्छा, और बुर्रे हैं। अच्छा, ये आसिम भाई के तो सारनपुरी कबूतर है। अच्छा, बुर्रे हैं, ब्रीडिंग पेयर हैं। अच्छा, ये जो पोर्शन है इसमें सारे ब्रीडिंग पेयर हैं, वहाँ पे आप हम शौक करेंगे ब्रीडिंग पेयर जितने हैं उनका। चलिए, तो इमरान कलसरे और अच्छा, ये उसमें सारनपुरी ये है। अच्छा अच्छा, आप बता। ये देखिए सारनपुरी कबूतर कलसरे छापता। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकिए, बढ़िया बहुत उमदा। एक मिनट रुक रहना, ऐसे ही बढ़िया। बाजू दिखाइए जरा, देखो। अच्छा, कड्डे में बाजू तो। हाँ, ये सारे ब्रीडिंग पे आ रहे हैं ना, अंदर ही रहते होंगे। सही है, चौधरी देगा पूरी। बहुत बढ़िया भाई, माशाल्लाह जी। ये सहारनपुरी कल से रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, से देखिए। अच्छा, आसिम भाई के। हाँ जी, और ये हमारे अगवानपुर में है, और जैसे कबूतर हाँ, आसपास के इलाके में नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत महंगा शौक कर रखा है आसिम भाई ने। देखिए, और जी ये नर है, और देखिए आप इसको, ये नर था, ये इसकी मादा है। देखिए, बहुत बढ़िया शॉप की नादमी है। हाँ, अब बहुत सारे, काफी सारे रामपुरी कलंजे। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, एक मिनट रुक जाना। अच्छा, ये इनका ब्रीडिंग पेयर है। ये देखिए इसके नेल्स। हाँ, माशाल्लाह। ये देखिए इसकी गर्दन यहाँ। हाँ, ये देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। छोड़ दिए, सहारनपुरी मादा लगा रखी है इसे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए इसके। हाँ, बढ़िया। देखिए रामपुरी कलसरा कबूतर है। ये देखिए भाई, रामपुरी का शौक करें, बहुत बढ़िया। देखें आई, देखिए बहुत चुनिंदा कबूतर। देखिए इसके नेल्स, इस वक्त जो है सर्दी की वजह से, इस वक्त सर्दी की वजह से पंजे वगैरह सन्ना है, बीट गीली रहती है। सही बात, सही। ये इसकी मादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अब ये पर तो परदार कबूतरों में ही देखे जाते हैं। हाँ, क्योंकि जोड़ों में तो कैची होते हैं ज्यादातर। सही बात। तो अब देखिए, ये देखिए, ये गोल्डन कबूतर है रामपुरी, बहुत उम्दा। ये आजकल रामपुर में भी कम देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, काफी साल पहले लाए थे। अच्छा, थोड़ा रोशनी उसमें दिखाना, धूप में इसकी आई। बहुत बढ़िया। ये देखिए, बढ़िया। हाँ, ये देखिए, ये भी गोल्डन है, रामपुरी गोल्डन कबूतर है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और बहुत साल पहले लाए थे हम, उसका पट्टा है गोल्डन कपड़े। अच्छा, वाला का। अच्छा, हाँ, देखिए असेंबली चिट्टे हैं कन्नों। हाँ, के। अच्छा, ये मादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मोटे खोपड़ी की, देखिए, बहुत बढ़िया भाई। अभी मैं आपको इसका नर दिखाऊं। हाँ, नर दिखाइए। ये है चिट्टी। अच्छा, ये मतलब
कई ब्रीड है भाई, हाँ चिट्टी कई है, कन्नों के चिट्टे जोड़े हैं, पांच जोड़े हैं। अच्छा ये भी गोल्डन, ये काफी पुराना लग रहा है क्या ये? हाँ पुराना कबूतर है बहुत। अच्छा हाँ। सबका बाप है। अच्छा जी सारे गोल्डनों का। अच्छा और ये देखिए बढ़िया। हाँ एक मिनट, मको मको आग में जी। ये रामपुरी है क्या? नहीं ये रामपुरी नहीं है, ये दूसरी ब्रीड है। अच्छा बढ़िया, ये कलसरा तीसरा कहलाते हैं। पंजे पंजे दिखाइए जरा, ये देखिए पंजे इसके। एक मिनट बढ़िया ठीक है ना, सही है। देखिए साइज इसका माशाल्लाह, बहुत बढ़िया साइज है। हाँ तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा जनाब आसिम साहब के पास बहुत ही उम्दा किस्म के कबूतर थे, जिसमें सहारनपुरी भी थे, उसमें गोल्डन भी थे, रामपुरी भी थे, काफ़ी किस्म के कबूतर थे। लास्ट में हमारे इमरान भाई जो है कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी आ, जी अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, और नया साल शुरू हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आसिम भाई की छत पर आज हम आए हुए हैं अकबानपुर में, और इंशाल्लाह इस साल में शौक करेंगे, नवंबर महीने में आसिम भाई तैयारी कर रहे हैं। और ये अभी जो ये शौक हो रहा है 22 में भी हम ये उम्मीद रखेंगे कि फ्रेंडली शौक होना चाहिए बहुत अच्छे से, और इससे जो है आपस में एक इत्तेफाक बढ़ता है। और यहाँ हमारे आज़म भाई और ये रजा हसन भाई, अबरार भाई, आसिम भाई मौजूद हैं, और कुछ काफ़ी टाइम से इन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आज हम मुँह मीठा कराएंगे इन लोगों का, आपस में दिल मिल गए हैं, और मीठा मुँह मीठा कराएंगे आज़म भाई सब लोगों को। चलिए तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं जनाब आसिम साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और अपने कबूतरों का शौक कराया। अस्सलाम वालेकुम।